ट्रीटमेंट फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर फैमिली थेरेपी सो नाओ वी विल डिस्कस अबाउट द फैमिली थेरेपी और उसके अंदर हम देखेंगे कि सी बी टी की एक टेक्निक है जिसमें चाइल्ड और पेरेंट को फोकस किया जाता है और उनको हेल्प किया जाता है कि हाउ दे कैन हेल्प ईच अदर टू ओवरकम द चाइल्ड्स प्रॉब्लम ठीक है अब जो बॉयपोलर डिसऑर्डर होता है उसके अंदर हमें पता है चाहे वो मीनिया की एपिसोड हो हाइपोमीनिया की एपिसोड हो या डिप्रेशन की एपिसोड हो मेनली उसकी वजह से बच्चे की जो रूटीन है वो डिस्टर्ब होती है दे वर लाइक डिज़ाइन द वर्ड रेनबो इन ऑर्डर टू मेमोराइज द थिंग्स के हमने क्लाइंट के साथ क्या क्या करना है ठीक है और ये हमारे लिए भी हेल्पफुल होगा और क्लाइंट के लिए भी हेल्पफुल होगा ठीक है तो सबसे पहले जो है हम उसकी रूटीन जो है उसको सेट करने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि उसको हम कोई स्कैडल बना के दें जिसकी हेल्प से वो अपनी रूटीन को जो है वो स्ट्रक्चर कर सके। फिर हम उसका इफ़ेक्ट रेगुलेशन जो है उसको मॉनिटर करेंगे ताकि अगर उसका जो मूड है वो डिस्टर्ब हो तो वो फ़ौरी तौर पर जो है हेल्प ले सके यानी अगर वो बहुत ज़्यादा इलेशन की तरफ़ जा रहा है इरिटेबिलिटी की तरफ़ जा रहा है एंगर की तरफ़ जा रहा है चेयरफुलनेस की तरफ जा रहा है तो उसका जो फौरी तौर पे जो है उसके लिए हेल्प ली जाए देन दैन उसके अंदर आ, ये एटीट्यूड डेवलप किया जाएगा कि आई कैन डू इट क्योंकि बहुत दफ़ा इट इज़ लाइक स्टेटेड इन द दीरीज कि जो इनफ्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स है इन इन एबिलिटी टू परफॉर्म एनी टास्क है उसकी वजह से भी बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो मैनिफेस्ट होता है तो एक एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप करवाना पड़ेगा कि आई कैन डू इट ठीक है तो आई कैन डू इट का जैसे ही एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप होगा तो उसके हेल्प से ना सिर्फ उसकी लाइफ ओवरऑल इम्प्रूव होगी रादर के वो अपने इफेक्ट को भी मॉनिटर कर सकेगा और अपनी रूटीन को भी बेटर कर सकेगा देन एंड इज़ फॉर नो फॉर नेगेटिव थाट प्रोसेस एंड लिव इन द नाव अब मोस्टली क्या होता है कि जो बायपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं दे आर होल्डिंग सो मैनी नॉगेटिव थाट प्रोसेसिंग तो उस नेगेटिव थॉट प्रोसेसिंग को जो है उसको हमने वर्कआउट करना है थ्रू कोग्नेटिव रीस्ट्रक्चरिंग और ये हम कोशिश करें करते हैं इसमें कि जो क्लाइंट है वो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को जो है वो ऑल्टर कर सके विद द पॉजिटिव और हेल्दी थॉट प्रोसेसिंग देन पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में एडवोकेट किया जा सकता है कि दे शुड बी अ फ्रेंड विद देयर विद देयर किड्स एंड दे शुड बी हैव अ बैलेंस लाइफ स्टाइल ठीक है यानी अगर आप सर्टन टाइम जो पेरेंट्स होते हैं देवर सो मच क्रिटिकल टू वर्ड्स द चाइल्ड तो जब वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं तो उसकी वजह से जो चाइल्ड है उसके मूड के ऊपर इफेक्ट हो सकता है तो वी नीड टू बी एजुकेट द पेरेंट्स कि उनको अपने बच्चों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है गुड मैनर में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना चाहिए और लाइफ के अंदर हर चीज़ को बैलेंस करना चाहिए ठीक है यानी इफ़ यू आर आस्किंग द समथिंग फ्रॉम द चाइल्ड तो यू शुड गिव सम सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड टू द चाइल्ड टू ठीक है तो इस किस्म की जो बैलेंस लाइफ स्टाइल है उसको हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है देन ओ दैट इज दैट इज़ समथिंग दैट वी आर एबल टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स ठीक है तो पेरेंट uh, और चाइल्ड जो है उन दोनों को साइको एजुकेट किया जाता है उनको मैथड्स बताए जाते हैं कि किस तरह Uh, जो उनके फैमिली uh, के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व कर सकते हैं इन अ बेटर वे विद अ न्यू अप्रोच देन वेज ऑफ गेटिंग सपोर्ट अगर लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम है जो खुद सॉल्व नहीं हो रहा बच्चे की कोई ऐसी सिम्टम्स हैं जो खुद समझ में नहीं आ रही तो पेरेंट्स को ऑलवेज़ गेट अ सपोर्ट ठीक है चाहे वो प्रोफेशनल से है चाहे वो फैमिली मेम्बर से है एंड दैट इज़ द सेम थिंग फॉर द चाइल्ड सो so, अगर चाइल्ड को फ़ील हो रहा है कि उसका मूड ऑल्टर हो रहा है उसको प्रॉब्लम हो रहा है वो डिप्रेशन में जा रहा है या वो मीनिया में जा रहा है और उसको सेंस आना शुरू हो गई है जिस तरह हमने कहा है कि इफेक्ट रेगुलेशन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो द चाइल्ड शुड टेक हेल्प और सीक हेल्प फ्राम द साकेट्रिस्ट फ्राम द फ्रेंड्स फ्राम द फैमिली मेम्बर्स फ्राम द सपोर्ट सिस्टम विच एवर ही और शी है सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टेप्स हम बहुत हद तक हेल्प कर सकते हैं बाइपोलर uh, डिसऑर्डर के जो पेशेंट आते हैं आपके पास उनको बेटर uh, करने के लिए थैंक यू